अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। माय नेम इज सूफिया नाज, डॉटर ऑफ शकील अहमद फ्रॉम सालिमार जमजिद। अल्हम्दुलिल्लाह व सलातो व सलाम अल्लाह रसूल अल्लाह व आले व सहाबी अजमईन। अम्मा बाद, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी सलाही सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और मेरे बरतन सुमार बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप सब पर अल्लाह ताला की रहमत और बरकत। मैं आज ये अपनी तकरीर शुरू करने से पहले कुरान मस्जिद की एक आयत सुनाना चाहूंगी। अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 56 में, इन अल्लाह मलाइकातु सल्लूना अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, जिसका तर्जुमा है बेशक अल्लाह और उनके फरिश्ते रसूल पर दरूद और सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। तो आइए हम सब मिलकर प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ें। आज के हमारे तकरीर का मौजू है ईमान। दुनिया में बहुत से मजहब हैं, मगर हकीकत में सिर्फ एक ही मजहब है जिसका नाम है इस्लाम। और अल्लाह फरमाता है सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 19 में, इन दीना इन दला इस्लाम और इस्लाम इज द रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह। बेशक अल्लाह की नजरों में इस्लाम ही दीन है, इस्लाम ही धर्म है, यानी केवल इस्लाम ही मजहब है। और इस्लाम की 5 बुनियादी बातें हैं। पहला है ईमान, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोजा, चौथा है जकात और पांचवा है हज, जिसमें की सबसे पहला और सबसे कीमती चीज है ईमान। ईमान के बगैर न नमाज कबूल हो सकता, ईमान के बगैर न रोजा कबूल हो सकता, ईमान के बगैर न जकात कबूल हो सकता और ईमान के बगैर न हज कबूल हो सकता। तो ईमान क्या चीज है जिसके बगैर न नमाज कबूल हो सकता, न रोजा कबूल हो सकता, ना ही जकात कबूल हो सकता और ना ही हज कबूल हो सकता? तो भाई हम सब जानते हैं ईमान किसे कहते हैं। ईमान के 7 अरकान हैं। आमन तो बिल्लाहे व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व यौमिल आखिरे वल कदरि खैरि व शर्रि मिनल्लाहि तआला वल बासि बादल मौत। आमंतु बिल्लाहे यानी कि अल्लाह पे यकीन करना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। देयर इज नन वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट अल्लाह। वो मलाइकातही यानी कि अल्लाह के फरिश्तों पर यकीन करना, क्योंकि फरिश्ते ही तो अल्लाह की आयतों को आसमान से जमीन पर पहुंचाया करते थे। वो कुतुबी यानी कि अल्लाह की किताब, अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों पर यकीन करना। अल्लाह ताला वरोसोली यानी कि अल्लाह के रसूलों पर यकीन करना। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 के लगभग पैगंबर भेजे हैं, उस पर यकीन करना। वलियो मिलाखरे यानी कि मरने के बाद एक आखिरत की जिंदगी है जो हमेशा की जिंदगी है, कभी खत्म ना होगी, उस पर यकीन करना। वल कदरे यानी कि तकदीर पर यकीन करना, यानी कि तकदीर पर यकीन करना कि अच्छी और बुरी सब अल्लाह ताला की तरफ से होती है। मगर याद रहे कि दुआ ऐसी चीज है जो तकदीर को भी बदल देती है। वलबासे बादल मौत यानी कि अल्लाह ताला हम सबको कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा, उस पर यकीन करना। तो इन सभी बातों पर जो यकीन करता है उसे ही कहते हैं ईमान वाला।
अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को ईमान को जानने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।